आज हम आए हैं पार्क में, अपने घर के पास में ही है। बच्चे खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, दिखा रहे हैं। ठंड बहुत हो गई है लेकिन धूप नहीं आ रही है। तो हमारे साथ आंटी जी भी बैठी हुई है। आंटी जी बहुत टाइम में दिख रहे हैं आप। क्या तबीयत खराब थी आपकी? ये पीछे थी। काफी टाइम में मैंने आंटी जी से मिले हैं, शायद हमें लगता है 1.5 साल हो चुके हैं। 1.5 साल पूरा 1.5 साल से आप बाहर नहीं निकले? बाहर ही नहीं निकली। यहाँ घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर। तो वैसे हाँ, फिर क्या बताया था डॉक्टरों ने जो आप बता रहे थे? पानी पड़ गया था ना, पानी पड़ गया पैरों में। हाँ, पैरों में, शरीर में पानी पड़ गया, लैम्स में पड़ जाना था। अच्छा, तो बच थी नहीं। अच्छे टाइम में तो उन्होंने दाखिल कर लिया और पेशाब के रास्ते। मतलब तो प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वैसे देखा जाए तो ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत केयर होती है। और हम लोग क्या करते हैं प्राइवेटों में ना, और ज्यादा बीमारियां ले आते। हाँ, बीमारियां भी हमें पता नहीं चलता और पैसे की भी बर्बादी है, इसलिए हमें गवर्नमेंट में जरूर दिखाना चाहिए। नहीं नहीं, तो आजकल लोग बस आजकल एक बीच में ना, मेरे को किसी ने यहाँ पीछे रखी कविता, उसने पिंकी मेरी लड़की को बताया था। अच्छा, भाई जनपुरी में एक डॉक्टर है, वहाँ जाओ एक एक बार मेरे कहने से चले गए। अच्छा, चलो 600 रुपया उसकी फीस थी और बाकी टाइम लेना पड़ता था। गई थी वो, बस जैनी नाम, जैन था। अच्छा अच्छा था, बहुत अच्छा। उसने मेरी शुगर की दवाई बिल्कुल खत्म कर। अच्छा, शुगर एकदम खत्म कर दिया? कर दी उसने। आधी आधी खाओ, आधी आधी। आप एड्रेस बताना, काफी लोग हैं शुगर वाले जो हम बता सकते हैं उनको, है ना? चलो भैया, आप लोगों को बताएंगे एड्रेस ना आपको, तो मैं एड्रेस सेंड करूंगी। और आप लोग जो भी शुगर है जिसको भी, तो शायद दे दो तो कोई बात नहीं, अच्छे है। वो बता रही थी ना, उसने बताया था मैं ये पहले। कितना टाइम हो गया था शुगर आपको? शुगर अभी मुझे होंगे 10-12 साल होंगे। 10-12 साल से आप रेगुलर दवाई खा रहे थे? कभी खाती थी कभी नहीं खाती थी। अच्छा, फिर बढ़ गई तो खानी ही पड़ी मेरी। ज्यादा कि मेरी शुगर घट गई, 2-3 बार घटी है। मैं ऐसे हो गई थी, अब मर गई, अब मर गई। हाथों तुमने मुझे पकड़ रखा ना, मैं हाथों से निकल जा रही थी। अच्छा, वो तब पहले तो एक दिन घर में निकली, सरदार जी मेरे को जुट्टी पकड़ मार मार के उठा रहे हैं, मैं नीचे को जा रही हूँ। साथ वाली को उन्होंने फटाफट आवाज ही, उसने पकड़ी चीनी मुंह में डाल दी एकदम। तो ज्यादा हो गया होगा ज्यादा, कम हो गया। अच्छा, कम हो गया था, कम की वजह से चीनी दी है। हाँ, फिर उसने मेरे को वो गोल पिलाया जो लैट्रीन बंद नहीं होती थी। अच्छा, दस्त लग जाते हैं ना, वो वाला गोल पिलाया, ORS का ना। हाँ, वो फिर मैं ठीक हो गई थी। फिर एक दिन हॉस्पिटल गई, वहीं पे ESI आंखें दिखानी थी। एक बार उन्होंने चेक करी थी, दूसरी बार देखना नहीं थी। अच्छा, तो उन्होंने कहा अभी देखते हैं, उधर जाकर दवाई डालो आंखों में। तो सरदार जी, मैं ऐसे करके खड़ी हूँ खिड़की के पास, तो सरदार जी मेरी बाजू को पकड़ा। अच्छा, कहते हैं भाई चल वहाँ दवाई डाल लेंगे। यहाँ से वहाँ तक जाना था, मेरा पैर के मैं जाना ही नहीं है। वो मेरे को घसीट रहे यहाँ से, मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी आपके जाने के लिए ना। एक आदमी जा रहा था, मैंने उसको यहाँ से पकड़ लिया। अच्छा, फिर वो कह रहे मैं से बोला ना जाए, जैसे ही कोई कुर्सी आई मैं तो कड़म से वहाँ बैठ गई। अच्छा, सरदार जी मेरे को छोड़ा, वो घबरा गए, वो समझ गए इसलिए शुगर घट गई। वो हॉस्पिटल में कहाँ चीनी वाड़ो में, वहाँ पे जहाँ दिखाई दिखाना होता है, चीनी 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 चिल्लाते रहे, चीनी दे दो कोई यार, कोई चीनी दे दो, कोई मीठी चीज दे दो, है तो कोई ना। इतने में आँख वाला ही डॉक्टर निकला था मेरा, वो दो तो मेरे साथ ही रहता था। मैंने उससे बोला इसको बुला, इसको बुला, ऐसे ऐसे करके मेरा आँख वाला, तो डॉक्टर तो है ना। हाँ, तो डॉक्टर के पास पहियों वाली कुर्सी थी, उसने वो कुर्सी अपनी दे के मुझे उसमें उठाया, बस बस खींच के मुझे इमरजेंसी में ले गया। वहाँ जाके फटाफट मुझे इंजेक्शन लगे, पता नहीं क्या पिलाई, क्या पिलाया, कुछ पिलाया मेरे को मंगवा कंट्रोल करने के लिए ना। हाँ, लड़के को तो 4-5 घंटे बाद में ठीक हुई। दो एक बार और हुआ था,
वो घर पे ही होगा, वो भी साथ ली तो डर गई, नर्स थी अभी दीनदयाल के, अब भी है तो 19 साल हमारे साथ रही है वो। अब उसने मकान छोड़ा हमारे साथ वाला, इधर अलग जिले में लिया। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लड़की थी, दीनदयाल हॉस्पिटल की। मगर कहते थे अपने में जाओ तुम, एसआई में जाओ, सही बात है, इधर नहीं जाना क्योंकि बहुत गंद है। तो फिर मेरे को उसने फिर गोल वोल पिलाया, फिर जो हो सके उसने करा मेरे साथ। इंजेक्शन लगाना उसने मना किया हुआ, क्योंकि किसी नर्स ने कहा मेरे को ये तकलीफ है, तो उसने बोला मेरे को ये तकलीफ है, कोई तकलीफ होगी अगर तू इंजेक्शन, दूसरी नर्स को हॉस्पिटल में बोला मेरे को नर्स लगा दे और टीका लगा दे, उसने लगाया वो मर गई इंजेक्शन से, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा। अब वो तो भाग गई, केरला की थी, अभी सभी जान पहचान थी, तो अब वो डर के मारे, जो भी अब घर में नर्स है ना, कोई भी नर्स है, वो घर में किसी को इंजेक्शन तो ऐसे घर में लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पता क्या होता है कि हो सकता है ये प्रॉब्लम किस कारण हुई नहीं बता सकते, नहीं बता चले। लेकिन उनके लिए भी तो रिस्क है ना, इसलिए हॉस्पिटल में ही जाना चाहिए। वो मुझे हॉस्पिटल ही कहती थी, वो सही सलाह दे रही है, हॉस्पिटल जाओ। तो खुद उसका घर वाला कार निकालता मेरे को, उसमें डलवाते जैसे तैसे सीढ़ी उतरवाते, तीसरी मंजिल घर है तो नीचे तो है नहीं। तो आपने प्राइवेटों में बहुत दिखाया लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। अरे मेरे को किसी ने बताया सकेत जाने के लिए। अच्छा। अब मेरी लड़की भी ऐसी है ना, मम्मी को सकेत ले चलती है, मम्मी को सकेत ले, डैडी ले चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। कहते डॉक्टर बहुत अच्छा है, हार्ट का भी है, ये है वो, सब कुछ देख लेगा। तो हार्ट का कहाँ दिखाया आपने फिर? हार्ट का ही मेरा ESI से लिखवाया, तो मुझे वहाँ मेट्रो स्टेशन है ना। अच्छा। वहाँ हॉस्पिटल है मेट्रो, तो हार्ट मेट्रो। अच्छा, मेट्रो हार्ट। अच्छा। वहाँ पे जानकी दास हॉस्पिटल के पास। अच्छा। वहाँ दिखाया। तो जानकी दास प्राइवेट है या गवर्नमेंट है? वो तो प्राइवेट है, प्राइवेट है, वो भी प्राइवेट है, मगर इनको करना पड़ता है। अच्छा, ये लोग वहाँ से लिख के रेफर कर देते हैं और वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट हो जाता है, सारा फ्री होता है। हाँ तो अच्छा, वहाँ 10 दिन ये वैसे गवर्नमेंट ने ही दी हुई है ना आपको फैसिलिटी, है ना? तो हमारे जैसे कि गवर्नमेंट वाले भेज देते हैं तो वो ट्रीटमेंट वहाँ पे लोग का हो जाता है। उनके सिवा अगर हम जाएंगे तो हमारे पैसे लगेंगे, तो हाँ आपका चार्जेस लगेगा। तो उन्होंने गवर्नमेंट वालों ने ही रेफर किया था और लिख के दिया था, बेकायदा मेरे लिए गाड़ी मंगवाई थी। अच्छा। स्पेशल मुझे दी जगह, तो वहाँ मैं 10 दिन नहीं थी। अच्छा। आईसीयू में। चलो अब तो आप फिट हो ना बिल्कुल? फिट तो नहीं है अभी, कह नहीं सकती। तो आंटी जी आप खाने पीने का ध्यान रखो, थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखती हूँ। दो रोटी खाने लग गई मैं तो, कई अच्छा मैंने 6 महीने रोटी नहीं खाई। अच्छा। 6-7 महीने रोटी नहीं खाई, बिस्कुट नहीं खाया। अच्छा। कोई चीज मेरे अंदर जाती जैसी सामने आई ले जा, दूध नहीं पिया, चाय नहीं पी, पता नहीं मुझे क्या हो जाता था। फिर मुझे ना कुछ ऐसे होने लगता, कुछ समझ नहीं आती शरीर में मुझे कुछ हो रहा है, बस मैं यही कहती थी मुझे कुछ हो रहा है, हाँ ये मुझे कुछ हो रहा है, ऐसे ऐसे करती थी। वो साथ वाले भी डर जाए, करें क्या, करें आंटी क्या हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है, मैं क्या, मैं कुछ बता ही नहीं सकती, मुझे हो कुछ रहा है। फिर मुझे उन्होंने हॉस्पिटल भेजा, फिर हॉस्पिटल मेरे को ले गए, जैसे तैसे उन्होंने इंजेक्शन लगाने, शाम तक मुझे ऑक्सीजन लगा, ये कर वो कर, शाम रात को छुट्टी दे देनी 4 बजे 3 बजे 1 बजे, अब ठीक है थोड़ा फर्क है। अच्छा। कुछ खाने को दे रहे हैं, घर से ही आता था चाय, वहाँ तो दो टाइम ही आना है जो आना है, मैं तो बाहर से लाओ, तो ऐसे कर करा के ना मुझे जैसे भी हुआ मेरा। आखिर उन्होंने मुझे एक नंबर का कमरा था, वहाँ जाना पड़ेगा, मेरा इको भी हुआ उसमें भी कुछ प्रॉब्लम। चलो वैसे तो अब तो बिल्कुल सही हो ना? ठीक, बिल्कुल ठीक तो नहीं, बिल्कुल तो खैर नहीं होगे, लेकिन अब ठीक है, थोड़ा सा उम्र आराम है मुझे, बहुत शुगर का, ब्लड प्रेशर का। तो अभी भी आप जा रहे हो दिखाने? अभी भी जाते हो? दवाई तो मेरे को लगातार चल रही है। अच्छा। 18 दवाइयां जो है दिन में खानी है। अच्छा। रात तक आज ब्लड प्रेशर का मुंह से नाम निकला, गोली निकाल के रखी थी, खानी है नहीं खाई मैंने, भूल गई। नहीं टाइम से लिया करो और अपना टाइम से, सुबह तो मैं टाइम से लेती हूँ, सोए उठते ही पहले मेरे को वो खानी है गोली उसकी,
गैस देखो ना आंटी, आजकल सभी ऐसा नहीं है, ट्रीटमेंट सभी का चल रहा है, लेकिन क्या है हमें अपना हेल्थ का भी ध्यान देना चाहिए। अरे थोड़ा सा ये टेंशन बाजी बंद कर दो। तेरा ससी ससी में भूल जाती है। मैं रोज रात को मेरे को कुछ होना ना तो मेरे को लगना कि आज सुबह मैं खत्म हूँ। नहीं 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 नहीं, इतने हाथ जोड़ती भगवान को कि भगवान ले जाना ले जा। इतना अच्छा लगता था जब हम लोग मिलजुल के अपना पार्टियां करते थे, खाते थे। कितना अच्छा लगता था। कोई बात नहीं आंटी, आप एक दिन हम लोग का ये भी जल्दी से जल्दी आने वाला है। सर्दी सर्दी तो थोड़ा लगेगा, सर्दी तो मजा आता है। हाँ, लेकिन क्या है गर्मियों में फिर घर में आई परेशान हो गई थी बैठे बैठे। नहीं थोड़ा निकला करो, थोड़ा सरदार जी ले आए थे यहाँ, चलो जब तो ये चंदा ने बाल कटवा रखे थे बहुत नहीं लंबे किए हुए थे। अच्छा वाला तो लाखों रुपया मांग रहा है। अच्छा, और मैं कहा भाई तुम सरदार जी अच्छी करो, चलो निकलो यहाँ। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, गवर्नमेंट में आप गए तो लाखों रुपए भी बचे और आप बिल्कुल ठीक भी हो गए। मैं इतना रोई, प्राइवेट वालों में क्या होता है बहुत लंबा खींच देते हैं, और किसी के पास लाख होगा पैसा नहीं होगा वो कैसे करवाएगा, ट्रीटमेंट अधूरा रह जाता है। इसलिए गवर्नमेंट का बहुत अच्छा होता है। मैंने कहा तुम वहीं चलो। चलो तो आज हमने आंटी की प्रॉब्लम समझी है, आंटी को काफी टाइम में मिले हैं और आंटी आप मिलते रहे करो। मशहूर है डॉक्टर वो, मैं ना ये जेती है ना ये बाबू की ना दादी। अच्छा अच्छा, इसको मैं पता भिजवा दूंगी। चलो ठीक है, फिर मैं आपको जरूर भेजूंगी डॉक्टर का। हाँ। आंटी जी बहुत अच्छा डॉक्टर, आंटी जी खुद कह रही है कि मेरे शुगर की जो टैबलेट चलती थी वो सब बंद हो गई है। तो आप लोग भी देख लीजिए, एक बार सलाह लीजिए डॉक्टर से, हो सकता है आप जो टैबलेट खाते हो शुगर का तो आप भी ठीक हो सकते हैं आंटी की तरह। अरे हजार का मेरा था शुगर का, हजार का। चलो ठीक है, मैंने उसने मेरा आधा करवाया तो धीरे धीरे कम होता जाता ना फिर। हाँ। वो अब शुगर में टेस्ट करवाती हूँ, बिल्कुल नहीं आता आपका ना, है ही नहीं है, 90 है। अच्छा। ये तो होते आम दुनिया को होता है, ये तो नॉर्मल होता है, कोई ये सब लड़का है। मैंने हर चीज घर में, तो आपने इसमें कुछ मीठा ईठा ले रहे हैं अभी भी? खा लेती कभी कभी। अच्छा, कभी कभी। अच्छा। कभी कभी गजरेला खा लिया, कभी गुलाब जामुन का दिल करता है फिर मंगवा लेती हूँ गरम गरम। चलो वैसे बहुत खुशी की बात है कि आपका टेस्ट में नहीं आ रहा शुगर, नहीं आ रहा, तो इसलिए मुझे ब्लड प्रेशर आता है। दोनों चूजों मेरी ये तो ठीक हो गई, पर मैं खा रही हूँ, दवाई नहीं छोड़ी मैंने अभी। अच्छा, ब्लड प्रेशर वगैरह की गैस आंटी जी, आप और दवाइयाँ भी है ऊपर। आप जैसे काफी शुगर के मतलब मैंने काफी लोगों को सुना है कि शुगर की बहुत प्रॉब्लम है। मैं तुम को कुछ है, मैं तो तेरे से भी गुजरी गुजरी थी, बाजू बूजू सब खत्म हो गई थी। ये देखो ना कैसा हालत, देखो आंटी जी देखिए कितनी हालत, देखो ये देखो। मैं तो बहुत सेफ थी। चलो कोई नहीं आंटी, आपकी एज कितनी हो गई? 72 72 एज है आंटी जी की। लेकिन आंटी जी अब अपना ध्यान रखना। नहीं ध्यान तो मैं बहुत रखती हूँ, खाना पीना मेरा खाना टाइम से, दो रोटी खाती हूँ पतली पतली, नहीं तो एक ही खाऊंगी, उसके ऊपर थोड़ा मक्खन रख लूंगी ये उम्मीद। अच्छा, नमक भी नहीं डालती उसको, फिर ऐसे ऐसे थोड़ा करके वो चाय के साथ। चलो फिर आंटी जी नाश्ता, फिर आपसे मिलेंगे। हाँ जरूर, ठीक है जरूर। अच्छा, तो मैं धूप लेने आई थी और आंटी जी से भी बात हुई मेरी, तो आंटी जी ने भी अपने बारे में बहुत कुछ बताया है। अब मैं अपने वापस घर जा रही हूँ और अब आपसे फिर मिलेंगे बहुत जल्दी से जल्दी।